ठीक है, दिस वन इज आवर नेम नोड एंड बाकी सारे हमारे ये डेटा नोड है, तो मैं लिख देता हूं दिस वन इज द डीएन वन, सेकेंड वन इज द डीएन टू, दिस वन इज डीएन थ्री, डीएन स्टैंड फॉर डेटा नोड, डीएन फोर, डीएन फाइव, डीएन सिक्स, डीएन सेवन एंड डीएन एट, दीज आर द डेटा नोड्स. Actual data will be available on the data node side and the metadata will be stored at the name node side. Name node called the single point of failure. So the configuration of name node is very high. This one is our client. अब क्या करना है हमें कि map reduce करना है. So in the case of map reduce process, there are two sections. First one is the mapping phase and second one is a reducing phase. So first one is a mapping phase and second one is a reducing phase. So hum ek bar map karenge and second time reduce karenge. So abhi tak HDFS ke architecture ke according aap logo ko pata hai ki original data will be stored at the data node side and the metadata will be available at the name node side. So here we take a metadata. This one is our metadata. ठीक है, and it will have all records about the actual data. Client ने डेटा जो था, client के पास जो डेटा था वो suppose करिए कि डेटा नोड वन पे स्टोर किया हुआ है, डेटा नोड थ्री पे स्टोर किया हुआ है एंड डेटा नोड सिक्स पे स्टोर किया हुआ है. जो क्लाइंट का डेटा था वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, डेटा नोड वन पे, डेटा नोड थ्री पे एंड डेटा नोड सिक्स पे. ठीक है, एंड इट आल्सो परफॉर्म अ रिप्लिकेशन फैक्टर. तो सपोज करो कि डेटा नोड वन पे जो डेटा था उसका रिप्लिकेशन फैक्टर एक बना डीएन टू पे और एक बना डीएन फोर पे, दो रिप्लिकेशन फैक्टर हो गए. डीएन थ्री के पास जो डेटा था सपोज करिए कि उसका रिप्लिकेशन फैक्टर डीएन फाइव पे बना और डीएन सिक्स पे बना. डीएन सिक्स के पास जो डेटा था सपोज करिए कि उसका रिप्लिकेशन फैक्टर डेटा नोड एट पे बना एंड सपोज दैट कि एक और रिप्लिकेशन फैक्टर डेटा नोड फोर पे बना. ठीक है, तो ये पूरी कहानी होगी. ओरिजिनल डेटा हमारा डीएन वन, डीएन थ्री एंड डीएन सिक्स पे था. DN1 का रिप्लिकेशन फैक्टर DN2 और DN5 पे सपोज कर लो, DN3 का रिप्लिकेशन फैक्टर DN7, कुछ और कलर कर लेते हैं, DN7 एंड DN8 पे, DN4 पे एंड DN6 का जो रिप्लिकेशन फैक्टर था वो DN8 और DN4 पे है. ये रिप्लिकेशन फैक्टर है. नाउ क्लाइंट वांट टू प्रोसेस द डेटा विच आर स्टोर एट द डेटा नोड साइड. तो नॉर्मल ट्रेडिशन में क्या होता है, इफ वी वॉन्ट टू If we want to perform the operation on the data, then we take the data and perform operations. ठीक है, डेटा हमारे पास हार्ड डिस्क में रखा हुआ, उस डेटा को हम ले उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन रिजल्ट दें. अगर हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म ऑपरेशन, देन द कॉन्सेप्ट दैट वी टेक द डेटा फर्स्ट इज नॉट वर्क हियर प्रॉपरली. Because the size of data is very huge, so avoid these types of problem. We are not taking the actual data. We create a code. We create a code, and this code will be sent to the data node side, and the data node side code will perform operations, generate output, and these output are reduced. Means what? देखते हैं, वही कहानी देखते हैं. अब मैंने कल के लेक्चर में बताया था, देयर आर टू अनदर डीमंस, दैट वन नोन इज अ जॉब ट्रैकर एंड सेकंड वन इज अ टास्क ट्रैकर. जॉब ट्रैकर एंड अ टास्क ट्रैकर. सो सपोज दैट वी हैव अ जॉब ट्रैकर, वी हैव अ जॉब ट्रैकर, दिस वन इज आवर जॉब ट्रैकर. This one is a job tracker, and every data node have their own task tracker.
every data node have their own task tracker. So this one is task tracker one. This one is task tracker one. Data node also have their own task tracker. So this one is task tracker two. डेटा नोड थ्री के लिए टास्क ट्रैकर थ्री, डेटा नोड फोर के लिए टास्क ट्रैकर फोर, डेटा नोड फाइव के लिए टास्क ट्रैकर फाइव, इसी तरीके से हर एक डेटा नोड का अपना अलग अलग टास्क ट्रैकर होगा. ठीक है, तो हर एक नोड का अपना अलग अलग टास्क ट्रैकर हुआ डेटा नोड का, एंड देयर इज ओनली वन जॉब ट्रैकर. So client क्या करेगा, client will send a code to job tracker. Client will send a code to job tracker. Suppose this one is our code. Code किसमें बनाएंगे, there are various option to making a code, various languages available to make the code. So client first send a code to the job tracker. Client first send a code to job tracker that I want to perform the operations on the data which I have stored in your ecosystem. So job tracker ko to ye pata hi nahi hai ki bhai ye kaun banda hai, kis data pe kaam karna chahta hai aur wo data kaun se data node pe hai. Then again, this job tracker will send a request to name node कि हमारे पास किसी आदमी का एक request आया है कि मैं operation perform करना चाहता हूँ फलाने फलाने data पे. तो name node क्या करेगा, अपने meta data में से information gather करेगा भाई कि ऐसा क्या system है. Meta data response generate करेगा कि हाँ आज से एक साल पहले हमारे पास एक बंदा आया था जो data store करके गया है data node one पे, data node three पे और data node six पे. Then this name node will generate a response to job tracker. Yes, these data are available at data node 1, data node 3 and data node 6. Ab job tracker ko ye pata chal gaya ki haan bhai in pe hai. To ab job tracker dekho, jab humne ecosystem daemons padhaya tha, then there are 5 daemons: name node, secondary name node and job tracker. These are called the master services. Then data node and task tracker. These are called the slab services. So हमने ये भी कहा था कि only master services can communicate corresponding slab services. Only master node, master services can communicate with the corresponding slab services. Like as the name node can communicate with the data node. And task tracker will communicate with the job tracker. Task tracker will communicate with the job tracker. So this data node D1, DN1, DN2, DN3 will communicate with the name node, and TT1, TT2, TT3 will communicate with the JT, job tracker. ठीक है भाई. तो job tracker के पास ये record मिल गया कि भाई data node 1, data node 3 और data node 6 के पास हमारे सारे data available हैं. तो क्या करेगा कि जॉब ट्रैकर विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द टास्क ट्रैकर, बिकॉज जॉब ट्रैकर ओनली कैन कम्युनिकेट विद द टास्क ट्रैकर. जॉब ट्रैकर कैन नॉट कम्युनिकेट विद द डेटा नोड. डेटा नोड ओनली कम्युनिकेट विद द नेम नोड. सो जॉब ट्रैकर विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द टास्क ट्रैकर वन, बिकॉज डेटा अवेलेबल एट डेटा नोड वन, data node 3 and data node 6.
तो इस पे वो डेटा अवेलेबल है तो किसके पास रिक्वेस्ट सेंड करेगा? टास्क ट्रैकर के पास, बिकॉज जॉब ट्रैकर ओनली कम्युनिकेट विद द टास्क ट्रैकर। ठीक है, नाउ रिक्वेस्ट भेज दिया। अब टास्क ट्रैकर क्या काम करेगा? ये जो कोड लिखा हुआ है इसी कोड के अकॉर्डिंग डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किस डेटा पे? जो डेटा डेटा नोड पे रखे हुए हैं। तो अब टास्क ट्रैकर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा डेटा है आपके पास? आपके पास तो हजारों डेटा है, हमें वो वाला डेटा दीजिए जिसमें हमें ऑपरेशन करना है, जो जॉब ट्रैकर ने से हमसे मांग रखा है। तो यहां पे हमारा ऑपरेशन शुरू होता है अब मैप करने का। यहाँ पे ऑपरेशन हमारा शुरू होगा मैप करने का। नाउ टास्क ट्रैकर विल मैप विद द डेटा नोड। सो दिस टास्क ट्रैकर विल मैप विद द डेटा नोड। ठीक है, टास्क ट्रैकर विल मैप विद दिस डेटा नोड एंड दिस वन इज कॉल्ड मैप। मैपिंग हो गई है, सो दिस वन इज कॉल्ड मैप। इसी तरीके से हर एक के केस में, एक मिनट,